नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो एक वीडियो जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की आ चुकी है, अब ये है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और ख़ास करके क्या होता है कि एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि किस ऑर्डर में या तो कोई इंसेक्ट ही दे देंगे उसका नाम ही कि इसमें कौन सी मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है वो पूछ लेंगे, या तो सीधे ऑर्डर का नाम देंगे। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कैसे याद करेंगे इसको। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल हम इसमें लिए हैं कि जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है वो है आइसोप्टेरा। ठीक है, आइसोप्टेरा है। अब अगर आपसे पूछे कि आइसोप्टेरा में कौन सी मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है तो कैसे आपके दिमाग में फीड रहेगा कि इनकम्प्लीट ही पाई जाती है। तो देखिए, इनकम्प्लीट शुरू हो रहा है आई से, ठीक है, और आइसोप्टेरा भी शुरू हो रहा है आई से। ठीक है, दोनों में आई है, आई आई आई। ठीक है, तो इसी से याद कर लीजिएगा, इनकम्प्लीट हो गया तो आइसोप्टेरा में होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, दूसरी बात ये आती है कि मतलब ये जो आइसोप्टेरा का एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे लिखा हुआ है आइसोप्टेरा, टेरा से केवल TER ले लेंगे, बस इसी से टर्माइट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, आई से इनकम्प्लीट शुरू हो रहा है, आई से आइसोप्टेरा शुरू हो रहा है आई से, तो बस जो इसका ऑर्डर है यानी ऑर्डर आइसोप्टेरा में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ना है, दूसरा होता है कि दूसरा ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी, तो वो है होमोप्टेरा। ठीक है, होमोप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी। देखिए एक बात, अब इसको याद कैसे करोगे कि होमोप्टेरा में इनकम्प्लीट होता है, कैसे याद रहेगा। तो होमोप्टेरा में छुपा हुआ है होम, बस केवल होम याद रखिए। और कहते हैं, एक कहावत होती है कि जो घर कितना भी बना लीजिए, कितना अच्छा बना लीजिए, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह गया। यानी होम कभी भी कम्प्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट ही रहता है, कितनी भी चीज़ें उसमें कर डालिए, लास्ट में देखने पे यही लगेगा कि नहीं, ये कर देते तो अच्छा हो जाता होम। ठीक है, तो यानी बस दिमाग में आपको यही रखना है कि जो होम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसी तरह से आपको याद हो जाएगा कि होमोप्टेरा में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब होम होता है, जब घर बनाते हैं तो वहाँ लीफीदार पौधे लगाते हैं जिसमें हरी भरी पत्तियाँ हों, तो लीफ हॉपर जो है वो एग्जाम्पल है होमोप्टेरा का, और एफिड एक एग्जाम्पल रख लीजिएगा होमोप्टेरा का। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल क्या है जिसमें कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है आर्थोप्टेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया हम लोग एक आर्थोलॉजिस्ट का फोटो लगा दिए हैं। अब जब आर्थोप्टेरा है, इसको कैसे याद करोगे कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो गया है। तो इसको याद करने के लिए हमें ये याद करना है कि आर्थोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जब हम क्यों जाते हैं, जब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारी हड्डी में कोई कमी होती है, इनकम्प्लीट होता है, तब जाते हैं, टूट फूट जाता है। ठीक है, तो आर्थोलॉजिस्ट के पास गए तो कब गए, जब कष्ट था, जब हमें कोई कष्ट हुआ तब जाके हम लोग ऑर्थोलॉजिस्ट के पास गए।
और कष्ट से आपको याद हो जाएगा लॉकस्ट, आर्थोप्टेरा का जो एक मेंबर है लॉकस्ट है। अब देखिए जब उस आर्थोलॉजिस्ट के पास गए तो ग्रास होप के साथ गए। ग्रास होप का मतलब होता है हम लोग एक कहते हैं ग्रॉस इनकम, ठीक है, यानी ग्रास होप मतलब एकदम पूरा उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद पूरी होप के साथ गए उसके पास, ठीक है, किसके पास, आर्थो के पास, आर्थोलॉजिस्ट के पास। आर्थोलॉजिस्ट के पास क्यों गए, क्योंकि हमारे में कुछ कमी थी, इनकम्प्लीट था, हड्डी टूट गई थी, और उस आर्थोलॉजिस्ट के पास एक उम्मीद के साथ गए, ग्रास होप के साथ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपको याद हो जाएगा, कॉकरोच याद कर लीजिएगा, ऐसे याद करिएगा कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कॉकरोच बहुत होते हैं, जहाँ आर्थोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ कॉकरोच होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी याद हो जाएगा आपको कि इसमें भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अगला देखते हैं, अगला जो है वो है थाइसोनोप्टेरा। थाइसोनोप्टेरा सबको याद रहता है कि इसका जो थ्रिप्स है, ठीक है, तो इसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा थ्रिप्स को। और हेटरोप्टेरा जो है, जो जो लोग ट्रू होते हैं यानी सच बोलते हैं, वो सबसे अलग होते हैं, यानी हेटरो होते हैं जो ट्रू बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हेटरो होंगे, अलग होंगे, कभी कभी वो बेचारे इनकम्प्लीट भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर सही बोलते हैं तो कोई साथ नहीं देता है। इस तरह से ऐसे ट्रू बग इस तरह याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी भी अब भूलने वाला नहीं है। अगर आपसे कभी भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की पहले ही वीडियो आ चुकी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं पे मेरा इंस्टाग्राम की आईडी होगी, फेसबुक आईडी होगी, टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसके उसका भी लिंक वहाँ पे पड़ा होगा, सबको जाके आप लोग ज्वाइन करिएगा और फिर अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी वीडियो के साथ, इसी ट्रिक के साथ। बस हमारा मकसद है आपको याद कराना, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ लोगे, देखिए कॉन्सेप्ट की भी वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है आजकल की, कोई चीज़ याद कैसे हो, वही हम करा रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपके जितने जानने पहचानने वाले हैं सबको चैनल सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, कमेंट भी जरूर कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है यार, थैंक यू।